पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में सितंबर के महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इसे लेकर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आरक्षित सीटों के ड्रॉ की प्रक्रिया भी पूरी करने को कहा है। इसके साथ ही वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी करके ही चुनाव आयोग को सूचित करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि हिसार के बास और सिसाई में भी वार्डबंदी होनी है क्योंकि पहले इन्हें पालिका बनाया गया था। वहीं इसके साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष और पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं होगा। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, पंचायत चुनाव नजदीक है माना जा रहा है, बिगुल बज सकता है जल्द ही, और क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की थी देवेंद्र बबली से, उन्होंने साफ किया था कि दो से ढाई महीने के अंदर जो है पंचायत चुनाव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके बाद अब चुनाव आयुक्त की तरफ से, जो धनपत सिंह है चुनाव आयुक्त हैं, उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया है सरकार को, और उसमें उस पत्र में उनकी तरफ से कहा गया है कि आरक्षित सीटों के लिए ड्रा वार्डबंदी की प्रक्रिया करके चुनाव आयोग को सूचित करने के लिए ये बात जो है चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने की है। सरकार ये तमाम जो चीजें हैं वो पूरी करके उन्हें सूचना दे, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिसार जिले का बास गांव और सिसाई गांव, ये दो बड़े गांव हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव जो है वो सिसाई ही है, और ऐसे में इन दोनों गांवों को पालिका बना दिया गया था। अब कहीं ना कहीं दोबारा से ये पंचायत में आए हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वार्डबंदी इनकी नहीं हुई थी और वार्डबंदी होनी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो सितंबर के मिड तक जो है सृष्टि ये चुनाव हो सकते हैं, ऐसी सूचना जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ कर दिया गया है सरकार को, आप वार्डबंदी और तमाम जो चीजें आरक्षित सीटों के लिए समय भी दिया गया है प्रक्रिया पूरी करने के लिए। सृष्टि एक बार सवाल दोहराएं, कोई समय सीमा भी इसके लिए तय की गई है कितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी करके देना होगा? देखिए सृष्टि, अगर बात की जाए तो समय सीमा कोई अभी नहीं दी गई है कब तक ये वार्डबंदी का काम पूरा होगा और कब तक जो आरक्षित सीटें हैं उनका ड्रा निकाला जाएगा। कहीं ना कहीं इस पे जो है 1 से 1.5 महीना जो है और लग सकता है, और उसके बाद 25 से 30 दिन चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए चाहिए होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो लग सकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज जो पत्र जारी किया, अगर सरकार इसमें जल्दबाजी करके थोड़ा सा और जल्दी इसको करे तो कहीं ना कहीं सितंबर के पहले हफ्ते तक जो ये चुनाव वो कराए जा सकते हैं। आपने कहा जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव सीधे नहीं होंगे, पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव भी सीधा नहीं होगा, तो इसके लिए क्या कुछ और भी खास तैयारियां करनी पड़ेंगी? देखिए सृष्टि, अगर बात की जाए जिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसे पंचायत चुनाव इस बार जो पालिकाओं की अगर बात की जाए, नगर परिषद की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इनके चुनाव जो है चेयरमैन के डायरेक्ट होने लगे हैं। तो अब कहीं ना कहीं यही आंकड़ा यही बात निकाली जा रही थी कि जिला परिषद के चुनाव हैं उनके चेयरमैनशिप के जो चुनाव हैं वो डायरेक्ट होंगे, अब कहीं ना कहीं वो चुनाव नहीं होंगे, पार्षदों के चुनाव होंगे, पार्षद जो है चेयरमैन जो है वो चुनेगा। जो पिछली अमूमन जो हर साल ये चुनाव हर योजना में ये चुनाव होते हैं, तो ऐसे ही इस बार भी ये चुनाव होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के साथ ही ये चुनाव होने की बात जो है वो सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव के साथ होंगे, सितंबर माह के अंदर ये चुनाव हो सकते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि आगे पीछे चुनाव होंगे क्योंकि फरवरी में जो है 23 फरवरी के आसपास 2021 में पंचायतें भंग होगी, तो उसके बाद से लगातार तमाम जो लोग हैं वो पंचायत इलेक्शन की वेट कर रहे हैं। अगर गांवों के विकास की बात की जाए तो सृष्टि, पंचायत चुनाव नहीं होते, पंचायत अगर नहीं बन पाती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गांवों का जो विकास है वो काफी जो उसकी गति है वो काफी कम हो जाती है, और तमाम जो लोग हैं गांवों के लोग हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल से यही इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव कम हो। तो कहीं ना कहीं अब राहत भरी जो खबर है गांव के लिए वो सितंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी सूचना जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सितंबर में मिड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक ये चुनाव हो सकते हैं। चलिए ठीक है, जिसका इंतजार किया जा रहा था अब बताया जा रहा है कि उसके लिए सितंबर माह में ये जो चुनाव है वो हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। अब घरेलू सिलेंडर फिर महंगा हो गया है।